brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. ये ज़िंदगी सिर्फ तेरी नहीं कोई और भी जीता है तेरी राह में ये ज़िंदगी सिर्फ तेरी नहीं कोई और भी जीता है तेरी राह में क्यों नहीं समझता है ना समझ क्यों नहीं समझता है ना समझ कि तेरी ख्वाहिश की तेज रफ्तार तेरी ज़िंदगी ले जा सकती है तेरी एक भागती हुई सेल्फी की चाहत भी तुझे ऊपर पहुंचा सकती है सोशल मीडिया पे फेमस होने के चक्कर में कहीं और चले जाते हैं सोशल मीडिया पे फेमस होने के चक्कर में कहीं और चले जाते हैं इस तेज रफ्तार के सहारे कुछ लोग मौत के मथे चढ़ जाते हैं कुछ लोग मौत के मथे चढ़ जाते हैं क्या समझाएं इन्हें कि हेलमेट पहनना जरूरी है क्या समझाएं इन्हें कि हेलमेट पहनना जरूरी है इनके लिए तो सिर्फ मस्ती की रफ्तार ही जरूरी है इनके लिए तो सिर्फ मस्ती की रफ्तार ही जरूरी है हेलमेट पहनो तो बाल खराब हो जाएंगे लोग दोस्त यार चमन चप्पू बुलाएंगे अरे जान की परवाह ना करने वालों हेलमेट हो तो जान बच भी जाती है पर इस तरह की सोच होने से ही इंसान की मौत पहले ही हो जाती है क्या हो सकता है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता क्या हो सकता है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता पर ख्वाहिश को पूरा करना अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर ये मैं सही नहीं मानता ये मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता अगली लाइन में थोड़ा ज्यादा गौर फरमाइएगा कि पिताजी ना तो आपके शिव हैं जो सर रिप्लेस हो जाएगा एक बार जो गया कभी वापस नहीं आएगा एक बार जो गया कभी वापस नहीं आएगा कुछ सोचना कुछ समझ के चलना क्योंकि तुम इंसान हो भगवान नहीं कि चमत्कार हो जाएगा और तू बचकर भी वापस आ जाएगा तू मरकर भी वापस आ जाएगा तो बस ये ध्यान रखना कि ये जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं कोई और भी जीता है तेरी राह में कोई और भी जीता है तेरी राह में अब एक छोटी सी स्टोरी पोएटिक वे में है ये रियल भी मान सकते हो आप लोग वापस हम प्यार पे आते जो मेरा मेन टॉपिक है बट ये थोड़ा सा बताना जरूरी था क्योंकि इस टाइप की चीजें बहुत होती है रैश ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर चलाते हैं बिना हेलमेट के चलाते हैं जिसको कोई किसी चीज की परवाह नहीं होती खासकर हम देखते हैं कि जो खाली रोड्स होती है वहां पे तो अगर इस पोएट्री के माध्यम से अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ आया तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से हेलमेट जरूर वेयर कीजिएगा एंड आई होप आया होगा थोड़ा बहुत राइट ओके तो अभी जो मैं सुना रहा हूँ वो लव के ऊपर है और इसका टाइटल है वो बरसात की छोटी सी मुलाकात है मेरी किसी के साथ ये उसका वर्णन है ठीक है तो ये गौर फरमाइएगा ये कुछ इस तरह से थी वो बरसात थी हमारी पहली मुलाकात की भीनी भीनी सी शुरुआत थी वो बरसात थी ऐसा लगा था जैसे उस बरसात ने हमें मिलाया और उस सौंधी सौंधी खुशबू को हमारे अंदर जगाया हो शायद वो दिन बड़ा खास था जब मैं आपके साथ था शायद वो दिन बड़ा खास था जब मैं आपके साथ था हर पल बूंदों के साथ बातें बढ़ रही थी दोस्ती की एक नई शुरुआत हो रही थी उस दिन बारिश की बूंदों ने ही हमें मिलाया था सारा काम रुकवा कर हमें समझाया था कि दोस्ती में भी एक मिठास होती है जो सबके लिए बहुत ही खास होती है बात करूं जो आपकी आंखों की बड़ी शरारत भरी निगाहें हैं इन्हें देख लगता है ऐसे जैसे इनमें ही सारी दिलकश अदाएं उस दिन मिलकर ऐसा लगा जैसे एक और अच्छा दोस्त मिल गया प्यारी सी बरसात में एक और नया साथी मिल गया नजरों से बचता फिर रहा था उस मुलाकात में कि कहीं प्यार ना हो जाए और दोस्ती की जगह कहीं इजहार ना हो जाए बस खुद को संभाल लेता हूँ इस इश्क मोहब्बत से खुद को बचा लेता हूँ वो मुलाकात बड़ी प्यारी थी क्योंकि आपकी मुस्कान बड़ी ही न्यारी थी उस मुस्कान का कोई जवाब नहीं था और मेरे पास उस मुस्कान के लिए कोई अल्फाज नहीं था क्योंकि वो बरसात थी हमारी पहली मुलाकात की भीनी भीनी सी शुरुआत थी थैंक यू